हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टिप वन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले टाटा पावर के ऊपर। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने उसका चार्ट ओपन कर लिया है, पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस, जिनके लिए भी चैनल नया है तुरंत जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए फॉर माई लेटेस्ट अपडेट। आज हम लोग इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं पहले वो बता देता हूँ मैं। आज इस वीडियो में हम लोग टाटा पावर का चार्ट एनालाइज करेंगे और पूरी चीज़ के बारे में जानेंगे, इनफैक्ट फंडामेंटल के बारे में जानेंगे, क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में जानेंगे और चेक करेंगे कोई न्यूज़ है कि नहीं, और इंट्राडे लॉन्ग टर्म सब चीज़ के बारे में जानेंगे। ये वीडियो कंप्लीट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो जिन किसी को भी कुछ भी डाउट रहे तो मुझे डायरेक्टली आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर आप लोग देख सकते हैं टाटा पावर करेंटली 106 पर करेंटली ट्रेड कर रही है और लगातार की फ्लक्चुएशन देख सकते हैं किस तरीके से बनी हुई थी टाटा पावर पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं डे रेंज जो हुई थी 105 की हुई थी और हाई गई है 110, और लगातार किस तरीके से फ्लक्चुएशन थी। पहले जब ओपन हुई थी तो एकदम ऊपर से ओपन हुई थी और फिर लगातार डाउन का फ्लक्चुएशन देखने को मिला है, फिर यहाँ पे थोड़ी सी बाउंस देखने को मिली और फिर डाउन चली गई थी शेयर्स। एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल गई, 2.51 का गिरावट देखने को मिल गया। पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस, जो जिन किन्हीं को भी अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना है और अब या अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पा सकते हैं, वो भी अपस्टॉक्स में, जिसमें नाम मात्र के बराबर ब्रोकरेज चार्ज कटती है। अब यहाँ पे अगर क्लियर करें, अब डाउन आते हैं और थोड़ा चार्ट पे एनालाइज करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं चार्ट मैंने ओपन कर दिया। अगर वन डे पे जाते हैं तो वन डे पे यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, जिस तरीके से लगातार ये फ्लक्चुएशन क्रिएट की हुई है आप लोग देख सकते हैं, ये अप डाउन का फ्लक्चुएशन हमेशा बना रहता है मार्केट में, पर वन डे से उतना क्लियर नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम लोग 5 डेज और पहले 6 मंथ पे फोकस करते हैं, फिर धीरे धीरे कम पे आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगातार ऊपर अब जा रही है ये शेयर्स, अब लगातार ऊपर जा रही है और एक अच्छा फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। और यहाँ तक ये जो शेयर लगातार ऊपर गई थी, हम लोग देख सकते हैं कि 113 तक ऊपर गई थी, पर उसके बाद यहाँ और इसको ये दोनों को मैच करके अगर हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये दोनों को मैच करके चेक करें तो ये देख सकते हैं कि डाउन आया है यहाँ पे डाउन के साइड को, और फिर से एक सेम तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेम तरीके से एक और डाउन के साइड का फ्लक्चुएशन क्रिएट हुआ था। तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन का फ्लक्चुएशन यहाँ तक क्रिएट हुआ था, पर यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर गई है, पर अब फिर से डाउन आने का चांसेस बना हुआ है। अब यही हम लोग 5 डेज में जाके चेक करते हैं कि क्या फ्लक्चुएशन रहेगी और किस तरीके से रहेगी, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आप लोग को बता पाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अब यहाँ जो 5 डेज पे फ्लक्चुएशन क्रिएट हो रहा है, धीरे धीरे डाउन के साइड फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। तो अब जो रेंज रखना है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए जो रेंज रखना है उस पर बात करते हैं। तो अगर आप लोग प्लान करें इंट्राडे के लिए टाटा पावर पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अगर रेंज रखेंगे भी 202 to 207 तक आप लोग रेंज रख सकते हैं। इसके बीच में मैं रेंज का बात कर रहा हूँ, मैं आप लोग को एक टारगेट बता रहा हूँ, पर उतने के बीच के रेंज में ये फ्लक्चुएशन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ पे आप लोग को एग्जैक्टली ध्यान देना है कि मैं रेंज का बात किया हूँ कि इतने से इतने के बीच में रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे टाटा पावर के क्वार्टरली रिजल्ट का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टाटा पावर का क्वार्टरली रिजल्ट मैंने ओपन कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीज़ करोड़ में, पहले CR में ये चीज़ समझ लीजिए, ये सारी चीज़, ये ऐसी नहीं है कि 1560 ये नॉर्मल रुपीज़ नहीं, सब CR में है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से कैसी टाटा पावर की परफॉर्मेंस रही है। तो यहाँ पे अगर ध्यान दें तो आप लोग ये चेक कीजिए नेट सेल्स और यहाँ पे इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। तो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन आप लोग देख सकते हैं कितनी है, पहले मार्च में हम लोग केयर करते हैं, मार्च में जो 1764 थी, अगर हम लोग गूगल से इजीली अगर चेक करें तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं, मैं गूगल से ओपन किया हूं और इसमें हम लोग को ज्यादा बेटर वे में समझ में आता, चार्ट इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले ये कितने पे थी, 60 रुपीज़ पे थी, जब ये नवंबर टाइम थे, नवंबर का मैं बात कर रहा हूँ, आप ये चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, टाइमिंग याद रखिएगा। अभी ये मार्च 20, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का फ्लक्चुएशन क्रिएट हुआ था सितंबर 20 तक आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे जो मैंने लास्ट टाइम बात किया था तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नवंबर,
तो ये नवंबर का मैंने बात किया था, तो उसी के बीच का ये फ्लक्चुएशन रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से, पहले ये कितने की थी, 1764 करोड़, मतलब मैं आप लोगों को सिर्फ नंबर्स बताऊंगा, वो आप लोग समझ जाइएगा कि करोड़ में है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1412, और यहाँ पे देख सकते हैं 1550। यहाँ पे पैंडमिक एक बहुत बड़ा ही रोल निभाया है, और अभी आप लोग देख सकते हैं क्वार्टर फोर के जो रिजल्ट में मार्च 21 जो रिजल्ट रिलीज हुआ है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं 1560, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे भी देखने को मिला है। पर अभी सबसे बड़ी बात है कि ईवी कार बहुत ज़्यादा ही रोल निभाने वाली है टाटा पावर में, ईवी कार का बहुत ज़्यादा ही रोल रहेगा, आप लोग को देखने को मिल सकता है। और जो अभी हम लोग बात किए थे वो टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन थी, तो आप लोग को जल्दी ही इसमें फिर से एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर जो लोग प्लान कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, तो ऑफ कोर्स आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इनफैक्ट टाटा ग्रुप की ही फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, और फंडामेंटल के साथ इनकी मैनेजमेंट स्ट्रांग है। मैं अपनी पुरानी वीडियो में भी लगातार ये चीज़ के बारे में आप लोग को बताया हूँ कि अगर हमारे पास पैसा है तो ऑफकोर्स हम लोग अर्न कर सकते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं, पर उस पैसे का हमें मैनेजमेंट नहीं है, तो एनी हाउ समटाइम्स वी विल डिसॉल्व। तो सेम थिंग अगर हम लोग इसमें बात करें टाटा पावर की, तो इनकी मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, टाटा ग्रुप की मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। आप लोग टाटा मोटर्स देख सकते हैं किस तरीके से प्रॉब्लम में फेस कर रही थी, पर अब देख सकते हैं उसकी शेयर प्राइस कितनी ही ऊपर है। तो यहाँ पे अगर और भी चीज़ चेक करें तो लगातार किस तरीके का रिटर्न दी है, ये सारी चीज़ पे हम लोग केयर कर सकते हैं। तो एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को तो मिल गया, पर धीरे धीरे अगर हम लोग यहाँ पे अगर इसी पे ध्यान दें तो हम लोग को समझ में आ सकते हैं यहाँ पे थोड़ी डाउन रही है टाटा पावर, पर जल्दी ही इसमें एक अच्छा फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाएगा। पर अगर हम लोग टाटा पावर की ईयरली बात करें तो ईयरली पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो मैं ईयरली का बात कर रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से का मतलब सिचुएशन मेंटेन की हुई है टाटा पावर। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि लगातार टाटा पावर ऊपर ही जाते हुए दिखी है। अगर हम लोग बात करें मार्च 2017 की बात हो रही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ही कम थी, और अब देख सकते हैं कितनी ऊपर गई है धीरे धीरे, अब फिर 14 पे गई थी, और इस टाइम पे 20 मार्च 20 में आप लोगों को कम के साइड फ्लक्चुएशन देखने को मिला, मतलब कम थी। पर अब आप देख सकते हैं मार्च 21 में 18,378 का इतना सारा टोटल शेयर होल्डर फंड देखने को मिला है, मतलब शेयर होल्डर का फंड अच्छा खासा रेस किया है, और बहुत ज़्यादा ही इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिली है। अब टोटल शेयर कैपिटल के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लगातार, और यहाँ लगातार किस तरीके से सिचुएशन में थी, और लगातार सब में सेम थी, मतलब मार्च 2017, 18, 19, 20 का बात करें, पर अगर 21 में देखें तो क्या फ्लक्चुएशन मिला है, मतलब एक अच्छा खासा ऊपर गया। अब फ्लक्चुएशन का मतलब आप ये मत समझिएगा कि मैं चार्ट से बता रहा हूँ, ये मैं आप लोग को नॉर्मल बता रहा हूँ कितना बढ़ते हुए दिखाई, इस चीज़ पर आप लोग ध्यान दीजिए। और अगर हम लोग यहाँ पर भी ध्यान दें तो ऑफकोर्स कंपनी में मेन रोल लायबिलिटी एक्सपेंडिचर ये सब का बहुत ज़्यादा ही रहता है, तो ये सब चीज़ पे भी हमें ध्यान देना है। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइम में ये भी बढ़ी है, लायबिलिटी भी बढ़ी है, ये चीज़ पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। और अगर हम लोग थोड़ी और डाउन जाते हैं तो टोटल कंपनी कैपिटल एंड लायबिलिटी इस पे ध्यान देते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सब चीज़ प्लस माइनस करके पूरी जो डिटेल आती है, तो यहाँ पे जो ध्यान देते हैं यहाँ पे पहले 40,000 अगर 17 का बात करें तो, और बीच में कम होते हुए दिखी है लगातार, यहाँ पे 36 और यहाँ पे 38, ये थोड़ी सी ऊपर चली गई और फिर से कम हो गई थी, पर यहाँ पे देखते हैं तो लगातार 42 एक बहुत ही अच्छा आप लोग को देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर टाटा पावर का बात करें 5 ईयर्स पे डायरेक्टली ध्यान दें, तो आप लोग देख सकते हैं पहले ये एक अच्छी परफॉर्मेंस मेंटेन की हुई थी, अगर 1917 में केयर करें तो 2017 में अगर हम लोग केयर करें एक अच्छा परफॉर्मेंस मेंटेन की हुई थी, जो अब के टाइम में भी टाटा पावर इसी परफॉर्मेंस में आ गई है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं उस टाइम 40,832 पे थी, और राइट नाउ 42,868 पे, तो एक अच्छा खासा फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। और ये सारी चीज़ सीआर में, ये चीज़ याद रखिएगा गाइस, मैं ये सारी चीज़ सीआर का बात कर रहा हूँ, और एक हर चीज़ में एक अच्छा प्रॉफिट टाटा पावर्स क्रिएट कर रही है। और इस पर अगर आप लोग को लॉन्ग टर्म पैसा लगाने का, मतलब 10 ईयर पैसा लगा के छोड़ने का मन है,
तो ऑफ कोर्स आप लोग छोड़ सकते हैं, पर आप लोग को मंथली एक बार तो अपनी शेयर्स देखनी पड़ेगी और न्यूज सब पे ध्यान देना पड़ेगा। और ये सब जो गिरावट देखने को मिल जाती है टाटा पावर में, जैसे अभी आप लोग देख सकते हैं राइट नाउ 2.47 की गिरावट देखने को मिली है, तो ये सब चीज से पैनिक मत होएगा अगर जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 की अगर फ्लक्चुएशन नॉर्मल अगर मेंटेन है, तो आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 भी डाउन गई है और इस तरीके की फ्लक्चुएशन नॉर्मली मेंटेन रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है शेयर्स में अगर जो लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे हैं। पर हाँ, अगर ऐसा हो कि निफ्टी 50 पॉजिटिव में ही जा रही है और टाटा पावर्स लगातार नीचे जा रही है, तो इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। क्योंकि ये नॉर्मल फ्लक्चुएशन, मतलब अगर उस तरीके से लगातार डाउन जाती है तब थोड़ी दिक्कत की बात है, उस टाइम हम लोग को सारी चीज़ पे केयर करना पड़ता है। पर अगर ऐसा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है जैसे निफ्टी 50 भी डाउन जा रही है और टाटा पावर भी डाउन जा रही है, तब वैसे फ्लक्चुएशन में कोई दिक्कत नहीं है और ये सब एक नॉर्मल हेल्दी फ्लक्चुएशन होती है, और ये भी बोल सकते हैं ये नॉर्मल हेल्दी गिरावट है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पक्का रिप्लाई बैक करूंगा। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।